सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है और समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाती है। पारिवारिक और व्यवहारिक व्यक्ति कई बार जवाब होते हुए भी पलट कर नहीं बोलते, क्योंकि कई बार रिश्तों को जिंदा रखने के लिए खामोश रहकर हारना जरूरी होता है। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। आज का पंचांग 3 फरवरी 2022 दिन गुरुवार, मांग मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, सुबह 4:38 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र शाम 4:34 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:03 से 3:26 तक रहेगा। आज का बीजित मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:18 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 3 फरवरी 2022 दिन गुरुवार, अपने माता पिता या बड़े भाई के साथ एंजॉय करें। जो रिश्ते आप अभी बनाएंगे वो बाद में आपके लिए लाभदायक नेटवर्किंग के अवसर बनेंगे। आप चुलबुला और लापरवाह महसूस करेंगे, इसका मजा ले किंतु धन के साथ लापरवाही ना करें, क्योंकि इस समय कोई बड़ी खरीदारी आपकी प्राथमिकता हो सकती है। आज का आपका दिन आश्चर्य से भरा रहेगा। जीवन में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा आपको परेशान कर सकती है। आप में से कुछ लोगों को भावनात्मक ताकत को बढ़ाने की जरूरत महसूस हो सकती है। जिंदगी में कठिनाई आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल केवल अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से यहाँ का कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। कोई अच्छी खबर मिलने से वातावरण सुखद रहेगा। कोई धार्मिक यात्रा संबंधी प्रोग्राम भी बन सकता है। किसी भी प्रकार के निर्णय तक पहुंचने से पहले साथियों और उनके अनुभवों को समझने की कोशिश करें। पैसों से संबंधित चिंता हो सकती है, हड़बड़ी में कोई निर्णय ना लें, जल्दबाजी नुकसानदायक साबित हो सकती है। व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोगों को सतर्कता रखनी होगी। पार्टनर्स में मतभेद बने रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के प्रति आदर भी महसूस होता रहेगा। सावधानियाँ, पड़ोसियों के साथ किसी भी बात को लेकर वाद विवाद में ना पड़े, समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। अचानक ही कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जिसकी वजह से बजट गड़बड़ा जाएगा। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन के इस चरण में लक आपके साथ है, जिससे हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपके दोस्त व बड़े भाई बहन आपकी सहायता करेंगे। प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए आपके प्रयास पर्याप्त हैं। याद रखें, धीरे धीरे सीखकर ही प्रेम कला में निपुण बना जा सकता है। आपका चुलबुलापन आज आपके अतीत की करवाहट को भी मीठी यादों में बदल देगा। आपका अनुभव आपकी भावनात्मक ताकत को बढ़ाएगा, जिससे साथी के साथ अंतरंगता भी बढ़ेगी। आज आपका आकर्षण सभी को लुभाएगा और किसी ऐसे को आपके इतने पास ले आएगा जिसके आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बात करते हैं करियर की। आज किस्मत या लक की जगह परिश्रम पर ध्यान दे। व्यापार या करियर में उन्नति के लिए आपका कोई शुभ चिंतक आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, कुछ भी स्थायी नहीं होता। इसी तरह अचानक कई घरेलू मुसीबतों से भी आपको जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। आपका व्यावसायिक जीवन आज आपको सातवें स्वर्ग में ले जाएगा। आपकी क्षमताएं और गुण पूरे आकर्षण में हैं और आप लंबे समय से अटके कार्यों को आज पूरा करने में सफल होंगे।
आपकी कंपनी को आपकी नए नए विचारों से लाभ होगा। यदि आप अपनी प्रतिष्ठा और स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, तो पब्लिक रिलेशन फर्म की मदद लें। बात करते हैं सेहत की। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर लापरवाही बिल्कुल ना लें और तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज लें। तनाव की वजह से माइग्रेन की तकलीफ भी बढ़ सकती है। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।